राज, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? सुंदर, अति सुंदर, यानी वंडरफुल लग रही है ड्रेस, सिर्फ तुम्हें सूट नहीं करती। राज, कहने का मतलब है, देखो ना, अब गुल्लू भी पटना गया हुआ है, मेरा क्लिनिक भी आज बंद है, तो इतने अच्छे कपड़े जो तुमने पहने उसका मजा तब आएगा, तुम मेरे पास आराम से बैठो, कुछ प्यार भरी बातें करो। अरे ना बाबा, मेरी नई नई नौकरी है, छोटी सी प्यारी सी दुकान, चारों तरफ फूल ही फूल है, और बीच में गोभी का फूल बैठेगा। मेरे कहने का मतलब है गुलाब का फूल, गुलाब का फूल। Oh God, I'm so late, I'm going back. सुनो 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 लक्ष्मी, मेरी बात तो सुनो। सुना है आज तुम्हारी तनख्वाह होने वाली है, तो क्यों ना हम दोनों आज लंच पे जाए साथ। Sure, why not? तुम शॉप पे आ जाना लंच टाइम पे, ओके? शॉप पे आ जाओ, लेकिन सुनो, बाय। सुनो, ओहो, लक्ष्मी चली गई फ्लावर शॉप में, गुल्लू गया हुआ है पटना, 1 बजे तक मैं क्या करूं? आइडिया। घंटी बजी। हेलो, हाँ भाई, कैसे हो, क्या चल रहा है? अरे यार, रॉन्ग नंबर लगाया तो रॉन्ग नंबर ही लगेगा ना। अरे मुझे तुमसे क्या क्या टाइम नहीं है आपके पास? क्यों 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 भाई, टाइम क्यों नहीं है? आप प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, कोई बड़े फिल्म स्टार हैं क्या? टाइम क्यों नहीं है आपके पास? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बात करने का वक्त नहीं आपके पास। देखिए भाई, देखिए, मैं आपको अपनी तकलीफ समझाता हूँ। मेरी बीवी जाती है काम पर, जब वो काम पर जाती है तो मुझे छुट्टी होती, जब मुझे काम होता है तो उसे छुट्टी होती, इसलिए हमारा मेल नहीं जमता है। ये मैं आपसे बात करना चाह रहा था। हाँ, अब आपको इंटरेस्ट आ रहा है ना? अरे आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूँ मैं। वो हमारा एक पड़ोसी है, करतार सिंह। सरदार है, सरदार है। अब वन नंबर का कंजूस आदमी है। हाँ, हमेशा जब आता है ना, कुछ ना कुछ मांगने आता है, देने की तो बात ही नहीं करता, और जेब में तो मुश्किल से हाथ जाता है उसका। अरे करेक्ट। क्यों भाई साहब, मैं अपने पड़ोसी की बुराई कर रहा हूँ, आपको बड़ा मजा आ रहा है? नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, बहुत मजा आ रहा है ना? अगर मैं आपकी बुराई करूं तो आपको कैसा लगेगा? शर्म आनी चाहिए आपको। रखिए फोन। लगी तो नहीं। नहीं जी, 2-3 हड्डियों का टूटा हुआ लगता कहते हैं। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं जी। तुम तो आप डॉक्टर हो, लगा लेना प्लास्टर। वेरी गुड जो। कहिए क्यों आना हुआ? मैं तो ये बताने आया था कि आपकी गाड़ी रिपेयर करने के लिए मेरा मैकेनिक शाम को आ जाएगा। ओह वेरी गुड जी, वेरी गुड। अभी और एक आपसे बात कहूं मैं। हाँ, ये आपका जो दरवाजा खोलने का स्टाइल था ना, हाँ, जरा सा वाई था। हाँ, वही वही। मैं आपको जरा सिविल तरीका बता दूं, बड़ा मजा आएगा। देखिए देखिए, गौर से देखिए, ये देखिए, धीरे से आप बाहर आए। हाँ। और आपने कहा मैं आई कम इन, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, धीरे से मैं आई कम इन। सॉरी, लगी तो नहीं थी। ये देखो, हमारे शॉप का बेस्ट बुके है। हाँ, अच्छा है। हाँ, इससे वो जरूर इंप्रेस हो जाएगी। कौन, आपकी बीवी? नहीं नहीं, हमारी नौकरानी, आज उसकी सिल्वर जुबली है ना। ओ, 25 साल से आपके यहाँ काम कर रही है? नहीं जी, ये हमारी 25वीं नौकरानी है। लचो लचो लचो, 1 बज गया, चलो चलो, बड़ी भूख लगी, लंच पे चलती। आ रही हूँ आ रही हूँ, मैं इस कस्टमर से निपट लूँ, तब तक तुम करतार सिंह को जाओ मदद करो। सर जी, करतार सिंह जी। हाँ? यहाँ कैसे आना हुआ, कहिए। नहीं, गल यह है कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैंने सोचा कि बीवी को फूल देके खुश कर देता हूँ। मैंने आज ये कंजूस पैसा खर्च करने वाला है? आइए आइए, बड़ी सही जगह है। ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए कितना खूबसूरत गुलदस्ता, ये ले जाइए आप। ये कितने का है? ये 1 मिनट, ये गुलदस्ता कितने का है? 100 रुपए का। 100 रुपए का है? ना जी ना, उस 100 रुपए मैं फूलों में खर्च कर दूंगा तो पिक्चर के टिकट कैसे खरीदूंगा? तो ठीक है, आप 80 रुपए दे दीजिए। ना जी ना, वो मुझे वहाँ पे समोसे और कोल्ड ड्रिंक भी तो खरीदना होगा ना। तो आप 50 रुपए दे दीजिए। ना जी ना, फिर मुझे टैक्सी से आना जाना भी तो पड़ेगा ना। तो क्या फर्क पड़ता है, बस से चले जाइएगा। ना जी, मेरी बीवी समझेगी कितना कंजूस आदमी है। ओहो, एक काम कीजिए, ये फूल ले जाइए। नहीं, ये कितने का है? ये मेरी तरफ से मुफ्त है, गिफ्ट। आप फ्री दे रहे हैं? जी हाँ। आप मुफ्त में दे रहे हैं? जी हाँ। फिर मैं दो लूंगा। दो कैसे लेंगे, मैं एक दे रहा हूँ, काफी है, समझे? जाइए।
करतार सिंह जी ये लीजिए आपकी बीवी के लिए मेरी तरफ से फ्री गिफ्ट। थैंक यू इसे कहते हैं पड़ोसन। सुनिए सुनिए ये भी ले जाइए उनके बालों में लगा दीजिएगा। जाइए अब। तुम इस बेवकूफ को क्यों इतना सर चढ़ाती हो? शास्त्र में लिखा है पड़ोसी से प्रेम करो। शास्त्र जब लिखे गए थे ना तो पड़ोसी कोसों दूर रहते थे समझे। चलो भी मुझे भूख लगी है। ओके मैं टचअप करके आती हूँ, तुम ये शटर बंद करो। शटर बंद कर दो। ठीक है शटर बंद कर दो। नमस्कार। दुकान बंद हो गई? जी हाँ बंद हो गई। लंच टाइम है, बड़ी भूख लगी है। बड़ी भूख लगी है जी सर। गोली खाओगे? अगर आप खिलाएंगे तो जरूर खा लेंगे, ऐसी क्या बात है। ये चलेगी? अरे वाह 0.32 वेबलियन स्कॉट। ए सीरीज है या बी सीरीज? एसटी सीरीज की है। क्या आजकल पिस्तौलें बनती है मार्केट में, सब डुप्लीकेट। तू क्या कर रहा है? जी आपने पिस्तौल थानी है ना, मैंने हाथ ऊपर करके खड़ा हूं मैं। अरे पिस्तौल छोड़ दे, टाइम पास मत कर, चल अंदर। जी चल इधर खड़ा रह। हां और जितने भी नोट्स है ना इस बैग में भर दे। ये लीजिए सारे के सारे ले जाइए विद कॉम्प्लीमेंट्स। अरे केक कॉम्प्लीमेंटरी नोट नहीं, करेंसी करेंसी नोट चाहिए। चल निकाल। अरे करेंसी नोट तो इसमें है। अरे खोल। ये नहीं खुल रहा साहब। अबे अबे जल्दी करना, एक तो चुराई हुई कार में नो पार्किंग में खड़े करके आए हो। चल जल्दी कर। आप कल आइए ना। क्या मेरा मतलब है आप ही क्यों आते हैं, मैं कल कुरियर से भिजवा दूंगा। जाइए। बको मत, ये खुल नहीं रहा है। अरे तुम्हें क्या करूं? आप ये पूरा बक्सा ले जाइए। अरे इतना बड़ा बक्सा कौन उठेगा? तू आज तेरे से नहीं बोल। फिर चोरी करने के लिए भी दिमाग की जरूरत होती है। चलो रात चलो ना, जल्दी करो ना। छोकरी चुपचाप खड़े रहा है, ये तो चोरी कर रहा है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? कर रहा हूँ ना, ये पैसे लेने में उसकी मदद कर रहा हूँ। ये बॉक्स भी मैंने खोला। झूठ मत बोल, ये बक्सा मैंने खुद खोला था। जी जी जी। लेकिन ये क्या इतने? अरे हाँ तुम्हारा पर्स कहाँ है भाई? आज मेरी बीवी का पगार हुए ले जाइए। अरे वाह 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 शाबाश, 1000-2000 तो निकलेंगे इसमें से। अच्छा हुआ, तो अब मैं यहाँ से जाऊंगा। उसके बाद में आप पुलिस को फोन करोगे। करेक्ट। लेकिन उसके पहले आपको मेरी एक पहेली बुझानी पड़ेगी, बाद में आप पुलिस को फोन कर सकते हो। बताओ। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर, मैथ्स प्रॉब्लम है। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। देखो तीतर के दो आगे तीतर, यानी दो हुए और दो आगे तीन, तीन और दो पांच हुए, पांच के बाद। अरे नहीं भाई रुको ना, इतने जल्दी थोड़ी होगा। अरे हम मर गए, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए। इंस्पेक्टर साहब, हवलदार को इंस्पेक्टर बोल के मस्का लगाता है। मेरा नाम हवलदार खबरदार डेंजर वर्दी डंडे वाला है। आप कुतुब मीनार के नीचे पैदा हुए थे? क्यों? नहीं इतना लंबा नाम है इसलिए पूछा। कुतुब मीनार के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने आए हो? जी नहीं, हम एक लुटेरे की कंप्लेंट लिखवाने आए हैं जिसने हमारी फ्लावर शॉप लूट ली। अच्छा नाम बोलो। जी लक्ष्मी सेठी। जी लक्ष्मी सेठी। जी नहीं सिर्फ लक्ष्मी सेठी। सिर्फ लक्ष्मी सेठी। हवलदार डेंजर। यस सर। जंजीर खींचने वाले पति पत्नी को ले आए तुम? यस सर। वो ये वो तो क्या, उनकी फाइल लेकर आओ। ओके सर। सर बैठो। थैंक यू सर। तो तुम हो? जी सर हम हैं। तो सच बता दो आज तक तुम दोनों ने ट्रेन में कितनी बार चयन कीजिए? सर हम तो यहाँ फ्लावर शॉप। देखो जल्दी से बता दो वरना दोनों को थर्ड डिग्री लगा दूंगा। क्या थर्ड डिग्री? थर्ड डिग्री क्या होती है? बहुत डेंजर होती है, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, ये डंडा है ना। तो फिर बता दो बता दो बता दो कि तुमने एक बार चेन खींची थी। कब? अरे भूल गए, गुड्डी की दूध की बोतल ट्रेन से गिर गई थी और तुमने चेन खींची थी। सर वो क्या है? देखो तुम दोनों के खिलाफ औरतों की गले से चेन खींचने की मेरे पास सैकड़ों कंप्लेंट दर्ज है। औरतों के गले से? सर हम लोग तो यहाँ। सर ये रही फाइल, इन दोनों की फ्लावर शॉप में डकैती की कंप्लेंट है। शट अप। क्या वो तो दोनों लॉकअप में हैं। आई एम वेरी सॉरी सर,
लेकिन आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे सर क्या बताएं, आपने हमें बहुत मौके दिए लेकिन हम ही चूक गए, मन बुद्धि जो ठहरे है ना। हवलदार इनकी कंप्लेंट लिख लो और इन्हें चाय पिए बगैर यहाँ से जाने मत देना, समझे? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। आप भी हमारे घर डिनर पे जरूर आइएगा सर। अजय नाम बोलिए। जी लक्ष्मी सेठी। जी लक्ष्मी सेठी। मैं लिख देता जी का है। ठीक है यस सर। जी कितना माल ले उठा सर? वो मैंने तो तिजोरी में जितने भी पैसे थे सब उसके झोले में डाल दिए सर। इन्हें नहीं थे सर, वो लूटने आया था, उधार मांगने नहीं। अच्छा आपके पर्स में कितने रुपए थे? सर 1,502 रुपए 50 पैसे और चरण। अच्छा वो डाकू कैसा था? बहुत कंजूस था सर, बहुत कंजूस था। इतने सारे पैसे ले गया लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे लिए टिप छोड़ जाए। मैं उसका हुलिया पूछता हूँ यार। ओ सर वो बहुत हैंडसम था, इतना स्मार्ट था। बहुत स्मार्ट था, उल्लू जैसी आंखें थी, कुत्ते जैसी नाक थी और सुअर जैसे होंठ थे उसके। बस हाँ सर एक खास बात थी उसके, कुछ हाथ में कुछ खास बात थी सर। क्या खास बात? हाथ की क्या बात कर रहे हो? मंकी कैप की बात बताओ। हाँ 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 सर, उसने मंकी कैप पहनी हुई थी तो बोलना ही भूल गया मैं। मंकी कैप? यस सर। ओहो इसका मतलब वो जरूर रामा शेट्टी था। रामा शेट्टी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये रामा शेट्टी कौन है सर? बड़ा खतरनाक डाकू है ये रामा शेट्टी, आज तक 13 आदमी को टपका चुका है। क्या यानी हमारा भी स्पॉट लगा देगा? आप लोग उसे पकड़ने में हमारी मदद करेंगे? हाँ सर हाँ। अरे क्या, नहीं नहीं सर, हम कैसे मदद कर सकते हैं सर, हमने तो उसकी शक्ल भी ठीक से नहीं देखी। लेकिन ये बात तो सिर्फ हम और आप जानते हैं ना, उसे कहा मालूम है कि आपने उसे देखा ही नहीं है। मिस्टर फड़के जरा इधर आइए। सर देखिए मिस्टर फड़के आपके कुछ फोटो लेंगे जो कल देश के सारे लीडिंग न्यूज़पेपर में छपेंगे। How exciting! पटना में गुल्लू देखेगा तो कितना खुश हो जाएगा। ओके, फोटो जरा साफ सुथरे आना चाहिए। एक रिक्वेस्ट है सर, मेरा है ना लेफ्ट प्रोफाइल जो है ना वो राइट प्रोफाइल से ज्यादा हैंडसम है, जरा इस तरह ज्यादा गौर कीजिएगा। तो फड़के जरा ध्यान रखना है, और सिविल ड्रेस में एक इंस्पेक्टर भी मैं आपके घर तैनात करवा देता हूँ। क्यों सर? जब डाकू रामा शेट्टी को ये मालूम पड़ेगा कि उसे सिर्फ आपके पति ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले वो इन्हें मारने की कोशिश करेगा। तो फिर इंस्पेक्टर की क्या जरूरत है? अरे हाँ भाई हाँ, तुम समझते क्यों नहीं हो? अरे जब रामा शेट्टी मुझे जान से मारने आएगा तभी तो वो इंस्पेक्टर काम आएगा, वो आके उस रामा शेट्टी मुझे जान से मारने आएगा। नहीं नहीं, नहीं मुझे तस्वीर नहीं खिंचवानी भाई साहब, सॉरी। स्माइल प्लीज। राज देखो ना, ओहो राज देखो ना, तुम्हारी तस्वीर कितनी अच्छी लग रही है। इसी तस्वीर को एनलार्ज करवा लो, उस पे एक हार चढ़ा दो और अगरबत्ती भी जला दो। ओके। अरे क्या ओके? मेरा तो वो हाल है जो शेर के शिकार में बंधे हुए बकरे का होता है। डोंट वरी, पर तुम कितने अच्छे लग रहे हो। क्या लगा है? आप दोनों मियां बीवी ने मुझे मारने की सुपारी दे रखी है क्या? क्यों? अरे वो जो करतार सिंह है वो जोर से दरवाजा खोल के मेरा हाथ तोड़ने पर तुले हुए हैं, और एक आप जो पीछे से चुपके से आके मुझे डरा रही है मेरा हार्ट फेल करवाने के लिए। अरे नहीं पाजी, मैं तो तुम्हारे वास्ते चिकन लाई हाँ, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है इस करके मुर्गा बनाया है। आपकी गलती की सजा बेचारे मुर्गे को क्यों दी? लो बहन जी तुम भी मजाक करते हो, चंगा मैं चलनी है। आजी, 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 अच्छा सुनिए, जाते जाते जरा दरवाजा कस के बंद कर दीजिएगा। क्यों? अब क्या बताऊं मैं? ओ समझ गई। ओहो राज तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए इंस्पेक्टर आ तो रहा है ना? हाँ आएगा आएगा, मेरे पोस्टमार्टम के बाद आएगा लगता है। देखो आ गया ना। देखो देखो लक्ष्मी, हर मोड़ पे खतरा है, दरवाजा जरा संभाल के खोलो। ओके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, आई एम इंस्पेक्टर दीपक साठम, मुझे आपके प्रोटेक्शन के लिए भेजा है। मेरे नहीं, मेरे पति के प्रोटेक्शन के लिए। एनीवे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आइए 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 इंस्पेक्टर साठम, मेरा नाम राज सेठी है, डॉक्टर राज सेठी। आईना कभी ऐसे हरकत नहीं करना। क्यों? मैंने क्या किया? इडियट, खुले आम दरवाजे के सामने मुझे विश करने आते हो, अगर बाहर कोई निशाना लेके खड़ा होता तो खोपड़ी में छेद हो जाता अब तक। हाउ एफिशिएंट, सोचा नहीं ना तुमने। आप क्या लेंगे?
चाय या कॉफी? कुछ ठंडा नहीं आपके पास? नेवर माइंड, मैं जरा घर का मुआयना कर लेता हूँ। आईना बाथरूम में है। नहीं, आईना नहीं, मुआयना। नेवर माइंड, मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, एक बात बताइए, ये गवाहों को प्रोटेक्ट करने का कितना एक्सपीरियंस है आपका? आप ये क्यों पूछ रहे हो? नहीं नहीं, नो ऑफेंस मेंट सर, यानी मेरी जान खतरे में, इतना हक तो है मुझे पूछने का। डोंट वरी, मेरा रिकॉर्ड तो तकरीबन परफेक्ट। देखा, तकरीबन से मतलब? मतलब मेरे प्रोटेक्शन के अंडर कुछ सिर्फ चार लोग मर चुके हैं। सिर्फ चार लोग मर चुके हैं, वैसे कितने लोगों को आज तक प्रोटेक्ट कर चुके हैं आप? वैसे देखो, 25, 5, 30, वो 10 सामने खड़े थे, मतलब 40 हुए, चार लोगों को। अच्छा, क्या? हेलो देयर। घबराइएगा मत, मैंने सारे घर का मुआयना कर लिया, एवरीथिंग इज इन परफेक्ट ऑर्डर, सारे खिड़की दरवाजे भी बंद कर लिए आपकी सेफ्टी के लिए। आपका जॉब कितना टफ है ना, एंटरटेनमेंट के लिए वक्त ही नहीं मिलता होगा। इसी एंटरटेनमेंट की वजह से मेरी प्रमोशन मारी गई। अच्छा, वो क्यों? इससे पहले मैं जेल पर ड्यूटी पर था, वहां पर मैंने सोचा कि कैदियों के एंटरटेनमेंट के लिए एक रामलीला करवाऊं। एक कैदी को हनुमान बनाया था, वो संजीवनी बूटी लाने के बहाने दीवार फांद कर जो निकल गया, खंभगत आज तक नहीं आया। लक्ष्मी, एक्सक्यूज मी, लक्ष्मी, मैं हरगिज नहीं चाहता कि ये साटम का बच्चा दिन भर हमारे घर में पड़ा रहे। क्यों? उसे रखा गया मुझ पे नजर रखने के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुझसे ज्यादा उसकी नजर तुम पे रहती है। जब चीज सामने हो तो पनीर को कौन देखेगा? डोंट टच। क्यों? ये इंस्पेक्टर साटम के लिए है। क्या? तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। लक्ष्मी, एक ग्लास पानी ला दो प्लीज। ओहो, साठम के बच्चे मुझे आंखें दिखाता है और मेरी बीवी से आंखें लड़ाता है। खा बच्चू खा, तू भी क्या याद करेगा। May I come in? लगता है आप दरवाजा धीरे से खोलने की अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। कोई? हाँ, हिलने की कोशिश मत करना। बिल्कुल नहीं होगा। किसी बेचारा की तो? अरे इंस्पेक्टर, ये तो हमारे पड़ोसी है करतार सिंह जी। कोई बात नहीं, टपका दीजिए, हम कह देंगे एनकाउंटर में मारा गया। माफ कीजिएगा, आप चोरों की तरह धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर घुस रहे थे, इसलिए मुझे शक हो गया। वो तो इन्होंने बोला था धीरे से दरवाजा खोल के पूछा करो, मैं आई कम इन, मरवा देता हूं अभी। क्या बात कर रहे हो करता सिंह? मैंने कहा ओके। माफ कीजिए, मैंने आपको डरा दिया। नहीं, डरने की क्या बात है? नहीं, आपके वो ये नहीं, वो तो बस ऐसे ही, मतलब बुढ़ापे की वजह से हो जाता है। आप बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। सुनो लच्छो, ठंडा पानी लाना, बेचारा बहुत डर गया। सैंडविच खा लीजिए। थैंक यू, ये तो मेरा फेवरेट आइटम है। यार क्या खिला दिया, मुंह में आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड बुलावा जी। मेहमानों को ऐसा सैंडविच खिलाते हैं? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। अरे तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? ये जो सैंडविच है ना, वो मैंने उस कंबख्त इंस्पेक्टर साठम के लिए बनाया था, तू क्यों खा गया? लेकिन ये इंस्पेक्टर साठम यहाँ क्या कर रहा है? बताता हूँ भाई, वो लक्ष्मी की जो फ्लोरिस्ट शॉप है ना, वहाँ एक खूंखार खूनी लुटेरा आया था, उसी को पकड़ने की ये सारी साजिश है। वो जो इंस्पेक्टर का बच्चा है ना, वो मेरी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर है। सिक्योरिटी के लिए? वो मेरी तरह सेल्फ डिफेंस की होती तो तुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? अरे मैंने कुंग फू कराटे सीखा है, उछल के यूं किक मारता हूं ना जैसे कोई कोबरा फन मारता हो। कोबरा कोबरा
पापा जी, आपने कोबरा का उसे याद आया, वो खूनी काला लुटेरा था ना, उसके दाहिने हाथ पे एक काले कोबरे का निशान था। यार मैंने सुना है कोबरे वाली तो पूरी एक गैंग है। क्या कह रहा हूँ, तो मुझे फौरन इंस्पेक्टर साठम को बताना पड़ेगा। मैं इंस्पेक्टर को बता। तू जाके इंस्पेक्टर को बता मैं मुंह में ऑइंटमेंट लगाता। करेक्ट करेक्ट, मुंह में ऑइंटमेंट। हे भगवान, इंस्पेक्टर साहब, अरे इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आ गए, मेरे पास एक बहुत बड़ा। जा, नहीं नहीं, मैं ये खून लगाइए। खून किसका किया आपने? खून नहीं किया, खिड़की बंद कर रहा था, चटकने लगी, अरे बैंडेज लगाओ। ओ जी ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, जो बात मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो सुन के नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके लिए फ्रेश सैंडविच लाई हूं। ओ लक्ष्मी, डोंट एक्ट फ्रेश, कम विद मी। अरे अरे बाबू, अरे लेकिन इंस्पेक्टर साठम, कोबरा गैंग का कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है इसी गैंग वालों ने अपने आदमी को पुलिस में भर्ती कर दिया, या फिर हो सकता है कि वो खुद नकली इंस्पेक्टर हो। ओह माय गॉड, अब क्या करेंगे? अब हमें मदारी को नहीं, पुलिस को फोन करना होगा। गॉड, फोन तो उसी रूम में है जिस रूम में वो बैठा है। ओह गॉड, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? अरे वो भी मैं क्लिनिक में भूल आया हूँ। ओह गॉड, अब क्या करें? हमें कुछ करना होगा। हाँ। इससे पहले कि वो मुझे मार डाले, कुछ सोचो 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 सोचो। हाँ। मुझे एक आइडिया आया। तुम उसे प्यारी प्यारी बातों में फंसा कर रखो और मैं पीछे से आकर उस पर अटैक कर दूंगा। गुड आइडिया, लेट्स गो, लेट्स गो। आपकी आवाज को क्या हो गया? कुछ नहीं, आपकी जैकेट कितनी खूबसूरत है। आपसे तो थोड़ी कम ही है। क्या फायदा इस खूबसूरती का जब कोई देखने वाला ही नहीं हो? क्यों, आपके पति है ना? उन्हें मरीजों से फुर्सती कहाँ मिलती है? 24 घंटे क्लिनिक, हॉस्पिटल, दवाई, इंजेक्शन। काश कोई देखने वाला होता। अरे हाँ, हम तो है ना। आप क्या कर रहे हैं मिस्टर? कुछ नहीं, टाइम पास। आप लग रही है, आप लग रही है। ए, था था था, सजीव था। देखा आपने? देखा, देख रहा हूँ ना। हाँ, घर में रहते तो क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। काश में क्रिकेट की बैट होती, कोई मुझे थामे तो रहता। ये क्या कर रहे हो पाजी? जी मैं नेक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आइए ना, अभी मजा आएगा। मैं ते उनानो देखने आई सी, कितने हैं वो? वो अच्छा अच्छा करतार सिंह जी नहीं, वो किसी और पड़ोसी के यहाँ गए होंगे नाश्ता करने। यही आदत से तो मैं परेशान हो गई हूँ, पता नहीं किधर चले जाते हैं। अच्छा चंगा, मैं चलनी हूँ। एक्सक्यूज मी मिस्टर राज, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, बट मुझे एक फीलिंग ऐसी आ रही है कि आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? मैं और आपको? अरे मारने की कोशिश करूंगा सर, इस घर में आप मुझे बचाने आए हैं। हाँ। और मैं अपने इन हाथों से आपको मारूंगा। कैसे? वही मैं सुना। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि सर, मैं अपने हाथों से आपको कैसे मार सकता हूँ? आपका कहना तो मारना सही लगेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कैसे मारोगे? वही मार सकता। ये चीखने की आवाज किसकी आई? ये! अरे मान गए लक्ष्मी, मान गए। भले खेल के मैदान में तुम छक्के ना मार सको, लेकिन आज तुमने वाकई इसके छक्के छुड़ा दिए। चलो पुलिस को फोन करते हैं। हाँ, पुलिस को फोन करते हैं। कट गई। हेलो, ओफो, ये तो डेड है। नहीं, ये तो सिर्फ बेहोश है। अरे मैं इसकी नहीं, टेलीफोन की बात कर रहा हूँ, क्या करेंगे? इसे पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। पागल हो गई हो, कंधे पे उठा के ले जाएंगे। एक तो करतार सिंह के बच्चे ने मैकेनिक नहीं भिजवाया, गाड़ी बेकार पड़ी हुई है, क्या करेंगे? मैकेनिक में क्यों नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर राज सेठी, मैकेनिक? अरे मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, क्या सही वक्त पे आए आप? 100 साल जिएंगे सर आप। अरे वो तो मैं जीऊंगा ही। दरवाजा बंद कर रहे हैं आप। पर ये कौन है? इनको क्या हो गया? कौन है? भाई साहब उठिए उठिए, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये कौन है आपको पता है? कौन है? रामा शेट्टी की गैंग का डेंजरस मेंबर है।
अच्छा हाँ, यहाँ मुझे टपकाने आया था लेकिन मैंने इसे लुड़का दिया। राज झूठ क्यों बोल रहे हो, मैंने उसे टपकाया है। अरे भाई वाह वाह वाह, आपने तो काम और भी आसान कर दिया। किसका? अबे पुलिस का। ये पूछिए कि मैंने इसे पहचाना कैसे। कैसे कैसे? उसके दाहिने हाथ पे एक ब्लैक कोबरा का निशान है। अच्छा, इसे मैंने उसको पकड़ा। अच्छा है ना भेजा, ऐसा वाला? बिल्कुल ऐसा। सो क्यूट ना। ये निशान आपके हाथ पे कैसे है? एक पहेली बुझाओ तो बताता हूँ। पूछो पूछो। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? कितने? कितने? नहीं। मैं हूँ असली रामा शेट्टी। क्या? तो फिर ये कौन है? ये असली पुलिस इंस्पेक्टर साटम है। अब तुम नहीं बच सकते डॉक्टर राज। नहीं। अलविदा राज, तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करूंगी मुझे सोचना पड़ेगा। क्या? देखा, अभी से आगे का प्रोग्राम ही बना रही है ये। तुम नहीं बच सकती छोकरी। मैं? है, बताओ मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैं आम खाना चाहता हूँ, एल्फेंजो। अभी लाता हूँ, दूर हटाओ। अभी आम का सीजन कहाँ है? मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं सीजन आने तक रुक सकता हूँ सर। लेकिन मैं रुक नहीं सकता। बताओ हाँ। तुम दोनों में से पहले किसको मारूं? किसको? लेडीज फर्स्ट। ठीक है। वन बाय बाय टू। सॉरी डॉक्टर राज, मैं फिर से धीरे से दरवाजा खोलना भूल गया। नहीं नहीं, अरे अच्छा हुआ आप भूल गए, वरना कुछ देर बाद आपको हमें भूल जाना पड़ता। क्यों, आप लोग ये मोहल्ला छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, उससे भी बदतर, हम दुनिया छोड़ कर चले जाते। ये पत्थर किसने रखा मेरे? ये कौन है? ये असली रामा शेट्टी है सर। हम समझे थे आप असली रामा शेट्टी है। क्यों? वो आपके हाथ पे वो ब्लैक कोबरा गुंडा हुआ। यही यही। अरे ये मैं च्युइंगम खा रहा था ना, उसके रैपर के अंदर का स्टिकर लगाया मैंने। मैं कहाँ हूँ? एक पहेली बुझाओ तो बताएंगे। पूछो। वन टू थ्री। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? नॉट फेयर अरिथमेटिक।